हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि हम सब जानते हैं, आज है न्यू ईयर, तो मैं जा रही हूँ आज डिनर के लिए कहीं बाहर। और कहाँ जा रही हूँ ये देखने के लिए आपको ब्लॉग के साथ जुड़े रहना होगा। बस थोड़ी देर में पहुँचेंगे, बिकॉज है थोड़ा डिस्टेंस, अभी थोड़ी सी दूर है। तो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए, ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गेस्ट वेयर। हम लोग कहाँ आए हैं डिनर के लिए, यहाँ। सो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अर्जुन को रेस्टोरेंट का फूड इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ढाबा फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम आए हैं जमींदारा में। सो अभी बहुत ज़्यादा रश है, मतलब कि हमें वेट करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के लिए, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आज फर्स्ट है तो मैक्सिमम लोग बाहर डिनर में आए, यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा जो रहता है रश रहता है। तो देखते हैं अभी हम क्या खाने वाले हैं। मैं खीर ज़रूर खाऊँगी, बहुत ज़्यादा रश है और हम लोग ना वेटिंग में अभी काफ़ी टाइम, आई थिंक 20 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जा सकेंगे, बिकॉज हैवी रश है। सो फाइनली हम लोग आ गए अंदर और हमें जगह भी मिल गई है बैठने के लिए। वेट करा हमने 20 मिनट्स बोला था, बट हमने 50 मिनट्स ही वेट किया। और हमने ऑर्डर भी कर लिया अपना मॉन्सून सूप, मैंने तो लच्छा ब्रांड भी किया है, और राजमा यहाँ का फेवरेट है और मशरूम मेरा फेवरेट है। तो अभी डिनर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और मुझे पता है यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, मेरे पास माइक नहीं है। अभी मेरे को अर्जुन माइक लेकर देंगे तो फिर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आया करेगी। तो बहुत जल्दी मैं माइक भी लेने वाली हूँ और अभी मैं इन्जॉय करने वाली हूँ खाना। नितिन, आपको सूप कैसा लग रहा है इनका, मॉन्सून सूप? बहुत अच्छा है सच में, मैंने तो अभी पिया ही नहीं। चलो इन्जॉय करो आप। सो हमने जो ऑर्डर किया था वो आ गया, लच्छा परांठा, तंदूरी रोटी, राइस, राजमा और मशरूम, साथ में उन्होंने सैलेड दिया, ये सैलेड क्या चटनी होती है। तो मैंने अपना जो है डिनर वो है स्टार्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। और सच में यहाँ का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब पूरा ऐसा लगता है जैसे हमने घर पे बनाया है, होम मेड टाइप से बना है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप का फूड है। तो आप भी जब आए तो यहाँ ज़रूर ट्राई करें। तो हम लोग खा रहे हैं अभी खीर, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है एंड बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी है। लस्सी भी ऑर्डर करी है बट मुझे इतना टेस्ट नहीं लगता, बट खीर बहुत टेस्ट है। तो फाइनली गाइस हम लोग डिनर करके आ गए हैं बाहर, देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा रश है और अभी भी जो है वेटिंग में है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।